हेलो दोस्तों, आपका दोस्त समीर मैकर। तो देख रहे हैं, हमारे पास एक रेंदा का मिसिंग आया है। तो इसका तो प्रॉब्लम है, पूरा जाम हो गया है। लगता है इसका बियरिंग अटक गया है। तो हमारा साथ बने रहिए, क्योंकि हम इसको खोल के बियरिंग को देखते हैं। बियरिंग ही अटक गया है, तो किस तरह से इसका बियरिंग चेंज करना है, तो हमारा साथ बने रहिए, देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए। तब भी ना न्यू न्यू वीडियो आपके लिए डालेंगे हम, तो हमारा साथ बने रहिए। पढ़ते हो? तो पहले हम खोल लेते हैं, पूरा कवर करवा लग लो पैसे ही कवर करवा पेटीटा पूरा कवर करवा পুরো থেকে মেন মেকার দিতে তুই দেখতেছিস পরে কি হয়েছে না হয়েছে বেশি थोड़े देर में भाई कुछ नहीं होगा, थोड़ा देर रखो हमारे साथ। जी बस्तर जी है क्या? उसके बाद इस ढक्कन को खोल लेते हैं, क्योंकि हमको इधर कार्पून रहता है, वो कार्पून भी निकालना है। नहीं तो आर्मेक्सर निकलने के लिए तो कार्पून भी टूट सकता है। लटकी तरह है ये चाबी, ये कार्पन इधर चिपकने के लिए मदद करता है, देख सकते हैं। तो इधर भी है एक, तो ये भी खोल लेते हैं। तो हम इसको इसको ड्राइवर मदद से धीरे से हम खींच लेंगे, निकल आएगा, देख सकते हैं। तो निकल आया, देख लीजिए आर्मेचर का तो बियरिंग ठीक है, इस साइड भी बियरिंग ठीक है, लेकिन इस साइड में बियरिंग टूटा हुआ है। तो पहले हम इसका बेल को हम खोल लेते हैं। देख सकते हैं ये बेल है, ये प्लस, इसकी मदद से हम इसको खोल लेंगे। खोल गया, आसानी खोल सकते हैं कि आपका पास आपका अगल बगल में कोई मिस्त्री हो, काठ का मिस्त्री जो लकड़ी का काम करता है, तो उसका मिशिंग भी इसी तरह कोई प्रॉब्लम हो तो आप आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो देख सकते हैं बियरिंग पूरे के पूरा, बल्ब बियरिंग पूरे के पूरा टूटा हुआ है। बियरिंग का एक सामान इधर ही रह गया और एक सामान इधर रह गया, तो इसको भी हम चेंज करना है। तो हम नोट जाए वीडियो, तो हम ये प्रेशर मशीन की मदद से ये जो इधर फंसा हुआ है इसको हम निकालेंगे। देख सकते हैं फ्रेंड अच्छी तरह से निकल गया। तो ये रहा,
निकल के आ गया। इसके बाद हम इसको खोल लेते हैं। हम ये इसको ड्राइवर की मदद से हथौड़े से थोड़ा थोड़ा ठकरा कर इसको हम निकालेंगे। थोड़ा थोड़ा प्रेशर देकर इसको हम निकलेंगे। ज़्यादा प्रेशर देने से ये टूट भी सकता है। ये एल्युमिनियम का सामान बनता है, एल्युमिनियम से बनता है ये, तो ये टूट भी सकता है। तो इसीलिए हम आहिस्ता आहिस्ता करके इसको हम निकालेंगे। देख सकते हैं फ्रेंड, ये भी खोल के कंप्लीट हो गया है। तो अब हम बियरिंग मिलाएंगे, देखते हैं बियरिंग मिला के। तो हमारा पास बियरिंग है 6 to 9, इसमें लगेगा 6 to 9 इसमें फिट होगा। नहीं, ये गलत है, ये 6 to 9 इसमें फिट नहीं होगा। ये नंबर इसमें लगेगा 6000। तो इसमें किस तरह बिठाना है देख लीजिए। इस तरह बिठा कर इसकी मदद से हम बियरिंग को लगाएंगे। देख सकते हैं पूरा बैठ गया है। तो हम इसको फिट करते हैं। इसको भी लगा देना है। हम इसमें फिट करेंगे। अब हम लाठ को कस लेंगे। বেকার আন সাকসেস হয়ে বসে থাকবো আঙ্গরি গুলা কাম, সেই জন্য আমরা লাগিয়ে রয়েছি। জানি না,
जो सामान हम खोला था कार्बन, वो सामान फिर से लगाना है। एक तरफ कार्पन लगा दिया और दूसरी तरफ लगाएंगे। तो हम पूरी तरीके से हम लाठ को कस लिया है और पहले हम सिर्फ ये आर्मेक्सर को हम घुमाएंगे। इसमें दो सी दो सौ तीस बल, इसमें हम एसी डालेंगे। डालकर हम पहले ट्राई करते हैं आर्मेक्सर को घुमा के। तो आर्मेक्सर पूरा फेरी है और इसमें हम बेल लगा लेते हैं। अभी बेल लगाकर देखते हैं। इसके ऊपर एक ढक्कन रहता है, वो कस्टमर लेके नहीं आया, तो आप ऐसे ही देख सकते हैं। लेकिन ये ऐसे नहीं रहता, इसमें ढक्कन रहता है। तो हम बेल लगा दिया, अभी हम इसको घुमा कर देखते हैं। तो देख सकते हैं पैन पूरी तरीके से तैयार हो गया हमारा। ये रंदा का मिशिंग है। तो इसी तरह आप लोग, आपका जो अगल बगल में जो मिस्त्री है उसका भी कोई रंदा का जो बियरिंग ख़राब है तो आप लोग आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना दोस्तों के साथ, क्योंकि ये वीडियो देख के आपको दोस्तों की भी कोई मदद हो सकता है। और बेल आइकन भी दबा के रखना, क्योंकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे पहले जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड।